विनेश फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगाई गोल्ड की हैट्रिक। उनकी मां बोली, अब ओलंपिक में रखेगी दूध की लाज। भारत की सैनी कही जाने वाली दंगल स्टाइल में पक्के दाव लगाने में माहिर गीता बबीता की चचेरी बहन विनेश फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड की हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया और नया रिकॉर्ड बनाया। फाइनल मैच में उन्होंने श्रीलंका मूल की खिलाड़ी चामुंडोया केसानी को 4-0 से हराकर यह मैच अपने नाम किया। यह खिताब विनेश फोगाट ने वुमेन्स 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता। इससे पहले विनेश फोगाट ने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 केजी और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 केजी की वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता था। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के अंतर्गत बलाली गांव में 25 अगस्त 1994 को जन्मी विनेश फोगाट ने 2019 के वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी। रियो की चोट और टोक्यो ओलंपिक्स की कमी को अब विनेश ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3रा गोल्ड मेडल जीतकर पूरा किया और भारत के परचम को शान से लहराया।